हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका मित्तल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल में चाइल्ड एंड सेल्फ केयर। मेरे डॉटर के तो समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, आई होप आप लोग के भी स्टार्ट होने वाले होंगे। बट इस बार का समर वेकेशन होने वाला है बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही चैलेंजिंग सारे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज इस बार बच्चे रहने वाले हैं फुल टाइम हमारे साथ, क्योंकि इस बार नो नानी हाउस, नो समर कैंप्स, नो स्विमिंग पूल्स, नो नथिंग। मतलब कोई मूवी, कोई पार्टी, बच्चे फ्रेंड्स के यहाँ जाते थे लाइक गार्डन जाते थे, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। बस बच्चों को हमारे साथ रहना है, और सेफ भी वही है कि वो हमारे साथ घर पे रहें, क्योंकि बाहर निकलना सबके लिए रिस्की रहेगा। तो अब सोचना ये है कि उनको दिन भर कैसे इंगेज रखा जाए। तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया है, लाइक बचपन में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, कैसे मस्तियाँ क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें क्या क्या करवाते थे, जिससे मैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बता सकूं, उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ करा सकूं, और उनका ये जो समर वेकेशन है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने पिछली एक्टिविटी डाली थी अपनी फायरलेस कुकिंग वाली, उसमें बहुत वो भी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग थी बच्चों के लिए। मेरी डॉटर तो उस एक्टिविटी के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, लाइक रोज़ किचन में आके पूछती है कि मम्मा आज कुछ हेल्प है मेरी, आज कुछ करवा दूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, मिस मत करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उस दिन के जैसे ही आज भी मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी। मेरी डॉटर ने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत हम दोनों ने साथ में मिलकर बहुत मस्ती की उसके साथ। तो चलिए बनाते हैं पेपर से कुछ मज़ेदार चीज़ें, लेट्स गो। पेपर बोट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हैप्पीनेस। इट टेक्स अस टू आवर चाइल्डहुड कि कैसे बारिश आते ही हम बच्चे फटाफट भागते थे एंड पेपर से बहुत सारे बोर्ड्स बनाते थे और देखते थे कि सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे जमा हुआ है एंड वहाँ पे जाके कंपटीशन करते थे कि किसकी बोट सबसे ज़्यादा आगे गई है। जब मैं ये बोर्ड बना रही थी तो मैंने नीलू को अपनी स्टोरी बताई चाइल्डहुड की एंड शी एंजॉयड इट अ लॉट एंड नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर द रेन कि कब बारिश आए एंड वो भी बोर्ड बनाए और हमारे साथ कॉम्पिटिशन करें। फ्रॉग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट बिलीव मी फ्रेंड, जब इसके साथ खेलते हैं ना इतने मज़े आते हैं कि सारी डिफ़िकल्टी हम भूल जाते हैं। मैंने एक्टिविटी डाली है मज़ेदार मज़ेदार कि हमने कैसे इन्जॉय किया इसके साथ, लास्ट में डाली है। सो स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड, वीडियो को लास्ट तक देखें, आराम से बहुत मज़े आने वाले हैं, साथ में मिलकर मज़े करते हैं।
पहले से ही बैठे हुए तब तो और मजा आएगा। अरे वाह निर्वी ने तो बहुत सुंदर बोर्ड बनाई है। फास्ट लग चल रहा है। मैंने यहाँ पे A4 शीट यूज़ की है, जो प्रिंटिंग के लिए जो पेपर यूज़ होते हैं ना वो, बिकॉज लोटस बना रहे हैं अपन तो इसमें बहुत सारे फोल्ड्स करने होते हैं, तो अगर हार्ड शीट लेती कलर्ड पेपर तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है करने में, इसलिए मैंने प्लेन शीट लेके इसमें पिंक कलर किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये आइडिया? ऐसे हम इंजॉय कर रहे हैं अपना समर वेकेशन, तो आप भी बनाएं घर पे और इंजॉय करें वेकेशन।